बढ़िया गेंदबाजी करते हुए जीतू परमार।
है, चार ओवर के बाद 22 रन, फोर ओवर्स 22 रन, लॉस ऑफ वन विकेट। यहाँ पे टेस्को का स्कोर जा पहुंचा है 5 ओवर के बाद 27 रन, 5 ओवर्स 27 रन्स, लॉस ऑफ वन विकेट। अभी तक जेट कोहली के गेंदबाजों ने टेस्को को बांध के रखा है, अभी तक हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया है दोनों ही बल्लेबाज को। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके
और से दुनिया वालों
हम पे डालो 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 नाइन ओवर 69 रन लॉस ऑफ टू विकेट.
बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे। बारह ओवर की समाप्ति में स्कोर 87 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट।
निन्यानवे रन 5 विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छी गेंद थी रामी द्वारा। थैंक यू विशाल सर। जरूरत थी, आप तो कुछ बोल नहीं रहे हो। बहुत ही अच्छी फील्डिंग निर्मल द्वारा, बकायदा 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। टेस्को 11 102 रन बनाकर खेल रही है और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का और फ्री हिट। ओवर 108 रन 5 विकेट के नुकसान पर टॉस्को 11 खेल रही है।
भाविन पटेल पत्नी पहला ओवर लेके आते हैं। स्पीकर से आ रहे अच्छी गेंद नीरव बारोट जो कि जेट को ए टीम के कप्तान और विकेट कीपर। फील्डर मौजूद एक रन मिलेगा वहां पर, कोई रन नहीं। इनफैक्ट 108 लेकिन कैच नहीं यहां पर पकड़ा गया, बहुत ही दूर थी बॉल। एक सौ नौ रन 15 ओवर चल रहा है। बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बैट्समैन समझ नहीं पाए। पंद्रह ओवर की समाप्ति, 113 रन 113 स्कोर बोर्ड 113। और हमारे बालिया साहब जो कि आज पैंथर के नाम से जाने जाते हैं, हमारी आवाज सुना दे रही है बालिया साहब? हाँ, हाथ खड़े करके बता दीजिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत दूर से आप हाथ हिला रहे हो जो कि आप कमेटी मेंबर हो, और वहां पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। ब्लैक पैंथर के जैसे छांव में बैठ के खाना हजम कर रहे हो आप, कहां तक सहा जाएगा हमसे? आओ अभी इधर तो आओ। आमिर द्वारा
बकायदा किलर दो रन बचाए अपनी टीम के लिए, टीम को 115। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभय दवे, एजी दवे। बहुत ही अच्छी गेंद जो कि ये हमारी इंटर कंपनी एक रन मिलेगा यहां पर, स्कोर 116 116 गुजराती में 116 टंडेल आई एम हाँ तो चौकर जब भाई130 रन। सत्रहवा ओवर चल रहा है। Thank you.
138 138 138 138 ریشان علی 15 بال میں 26 رن پر کھیل رہا ہے اور تپن شاہ 20 گیندوں میں 29 رن پر کھیل رہے ہیں. दीपक सर बढ़िया. اوور کی سماپتی پر 5 وکٹ کے نقصان پر ذیشان 33 رنس اور تپن بھی آن 33.
एक रन था लेकिन दो रन चुराने में कामयाब 152। हार्दिक पटेल राइट हैंड बैट्समैन हार्दिक पटेल Thank you.
Out. Sine vich woofer bajje jine vich aaye majje eh sine vich woofer bajje jine vich aaye majje ekko jaache maame pehne ke pajame nache jab tak generator bajje ના પાડવી પડે કાં તો દોડવું પડે એને
लेग बाई का इशारा यहां पर अंपायर की ओर से। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन रहेगा यहां पर। पटकी हुई अंपायर का इशारा हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। अच्छा, फिर से छोटी पटकी हुई गेंद, फिर से वाइड का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन की वजह से यहां पर दिक्कत आती हुई बॉलर को, अपनी लाइन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिर से छोटी पटकी हुई गेंद, लेकिन इस बार स्टंप से काफी नजदीक, कोई इशारा नहीं यहां पर अंपायर के द्वारा। डॉट बॉल। फिर से वही लाइन, वही लेंथ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर। दो ओवर के बाद 16 रन फॉर द लॉस ऑफ इट ऑफ वारोट। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, फाइनल तो क्या है, फाइनल नहीं है, रमन ने फाइनल में खाली कर सकते। हेलो 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 आगे डाली हुई में एक रन के लिए। इंटेलिजेंट बॉलर है यहां पर, जो अपनी लिमिट्स जानते हैं, ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ इन स्विंग आउट स्विंग करते हैं। अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस गेम में डालते हुए
और क्लीन बोल्ड यहां पर। ओवर की समाप्ति यहां पर, 3 ओवर 18 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट जेट को है। अच्छी प्लेसमेंट यहां पर, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग शॉर्ट थर्ड मैन में तपन शाह के द्वारा।
संभल कर यहां पर स्ट्रेट खेलने की जरूरत है। के हाथ में सिर्फ एक रनों के लिए अच्छी फील्डिंग की सजावट यहां पर। इसके साथ पांच ओवर का खेल खत्म। यहां पर 31 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट जेट को है, चेजिंग 169 रन्स। इसी के साथ हम आपको कुछ लीडर बोर्ड के बारे में बताना चाहेंगे। मिलिंद पवार फ्रॉम एचडीएफसी राइट नाउ लीडिंग विद 172 रन्स विद एवरेज ऑफ 86 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 135। दूसरे नंबर पे है अमित पटेल विद 153 रन्स। तीसरे नंबर पे है जयदत्त फ्रॉम वेल्सपन और यहां पर भी स्पीड हुई है कीपर के हाथ से। देखना यहां पर बैट से निकली अच्छी फील्ड की सजावट यहां पर टेस्को के द्वारा। सिर्फ एक रन आगे डाली हुई गेंद उसको
आगे डाली गई गेंद, फिर से वाइड का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा। यहां पर इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर जो स्विंग मिलता है में एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर। बढ़िया बैटिंग का नजारा देते हुए यहां पर बीके पटेल, जो कि एक रन बनाकर अपना स्टेटमेंट देना चाहेंगे। इस बार फिर से एक रन जल्दी से ले लिया है। अच्छी कॉलिंग यहां पर दोनों बैट्समैनों के बीच में, आंखों ही आंखों में इशारा करके एक रन चुरा लिया यहां पर। फिर से यहां पर वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। जैसे कि मैं बता रहा था, इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर सबसे ज्यादा स्विंग मिलता है बड़ौदा में, और उसको कंट्रोल करना इजी नहीं है। आगे आगे खेलना चाहते, मेरिटेटेड शॉट था ये। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, छह ओवरों के बाद यहां पर 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट जेट को है। कमेंट्री बॉक्स एंड से अजीज भाई यहां पर बॉलिंग का भार संभालते हुए। जेट को अगर ये आराम से 20 ओवर खेलेगी तो उनके चांसेस भरपूर है कि वो ये मैच जीत जाए, क्योंकि हमें मिलती हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से कल से मैच और आज के मैच में एक बॉलर शॉर्ट है टेस्को की टीम। रहे थे यहां पर पूरे 20 ओवर खेलने की जरूरत है। दोनों ही बल्लेबाजों को फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, हल्के हाथों से खेलकर एक रन चुराना चाहते थे, लेकिन बॉल वहीं पर था। आगे डाली गई गेंद, उसको सम्मान देते हुए यहां पर बीके पटेल।
सीनियर प्लेयर्स यहां पर ग्राउंड में टेस्को और जेटको के खेल रहे हैं और जूनियर नेट्स के लिए जाते हुए एक बेहतरीन नजारा यहां पर फील्डर मौजूद वहां पर सिर्फ एक रन मिलेगा जैसे कि हम बता रहे थे यहां पर जूनियर्स काफी नेट्स के लिए गैदर हो रहे हैं उसमें से एक जूनियर को देख के मुझे विशाल की याद आ रही है डाली गई गेंद को खेलना चाहते थे यहां पर बाउंड्री की ओर फील्डर मौजूद एक रन आखिरी गेंद इस ओवर की बीके पटेल को बीके पटेल ने इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर सात ओवर के बाद 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और छोटे विशाल का स्वागत होता हुआ यहां पर बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के पास भाविन बारोट भाविन बारोट यहां पर लाल बाग एंड से थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली चाहते हुए भाविन यहां पर बीके पटेल स्ट्राइक लेते हुए बैट्समैन के द्वारा एक रन चुरा लिया बस यही करना है अच्छी गेंद में एक रन ले और जो खराब गेंद मिले उस पर कैपिटलाइज करे बाउंड्री लगाए और यहां पर ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा वाइड की ओर
बढ़िया बैटिंग अब तक, दो सिंगल एक बाउंड्री और एक वाइड मिला के तीन गेंदों में अब तक 7 रन आ चुके हैं। फिर से पहले से ही यहां पर डीप कवर रख चुके हैं और उसी के हिसाब से बॉलिंग करती हुई यहां पर टेस्को। फिर से बहुत ज्यादा वार और फिर से एक वाइड, प्रेशर बनता हुआ यहां पर बॉलर पर। उसको खेल दिया यहां पर डीप कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद वहां पर, सिर्फ एक रन मिलेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद, आगे डाली हुई गेंद और
वाइड का इशारा की तरफ खेल दिया है, उठाकर काफी बढ़िया फील्डिंग और थ्रो का नजारा। साल पड़ी है पति है ये मतलब जाहिर नहीं करवाना।
विकेट की तरफ एक रन के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 76 आफ्टर 10 ओवर्स विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। टॉस को चार्जर्स को ये मैच जीतने के लिए अलाउड करना है जेट को, ए टीम को, और 10 ओवर में से रन प्राप्त करने हैं जेट को, ए टीम को, विद हैंड ऑफ 5 विकेट्स। पवेलियन एंड से बॉलिंग में आए हैं जीशान अली, जिनका पहली 2 मैच के अंदर काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। देखते हैं आज अपनी टीम के लिए वो क्या कर पाते हैं। आज काफी बढ़िया बैटिंग भी की उन्होंने। लगता है बॉल के लिए रिक्वेस्ट है अंपायर का चेंज करने के लिए। कल खेले गए अदानी के मैच के सामने जीशान अली ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था और मैन ऑफ द मैच चुने गए थे उनकी शानदार बैटिंग और बॉलिंग की वजह से। देखते हैं आज बैटिंग तो उन्होंने अच्छा किया है, बॉलिंग में अपनी टीम टेस्को चार्जर्स के लिए वो क्या कर पाते हैं। काफी अच्छा सिंगल लेते हुए बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स जेट को, ए टीम की तरफ से। काफी बढ़िया बॉलिंग का नजराना पेश करते हुए जीशान अली।
11 ओवर के बाद स्कोर है 79 रन्स आफ्टर 11 ओवर्स। विथ लॉस ऑफ 6 विकेट्स 11 ओवर्स 79 रन्स विथ लॉस ऑफ 6 विकेट्स। भाविन बारोट लालबाग एंड से अपना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। अविन बारोट बढ़िया बॉलिंग भाविन बारोट की तरफ से। काफी बढ़िया बॉलिंग काफी बढ़िया गेंद थी बीट हुए बैट्समैन। लोगों के तरफ एक रन मिलेगा काफी बढ़िया फील्डिंग। और ये जेट को ए टीम की तरफ से क्रीज पर और ओवर की समाप्ति पे जिशान अली पवेलियन एंड की तरफ से बॉलिंग लेकर 11 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 81 विद द लॉस ऑफ 7 विकेट। सॉरी 12 ओवर की समाप्ति पे 81 विद द लॉस ऑफ 7 विकेट। बॉल्स वाइड का इशारा
बिल्कुल चार रन था लेकिन अपनी टीम के लिए दो रन बचाते हुए। नए बैट्समैन जेट को एक ही तरफ से आरएच अगड़िया, जिशान अली दो विकेट ले चुके हैं, एक कैच तपन ठक्कर के द्वारा और दूसरा कैच तपन शाह के द्वारा उनकी बॉलिंग में। तेरा ओवर की समाप्ति में स्कोर 92 विद द लॉस ऑफ 8 विकेट। Seventy-seven needed in 42 balls. लालबाग एंड से काफी अच्छी फ्लाइट देते हुए बैट्समैन को क्रीज से निकालने के लिए। बढ़िया बॉलिंग का नजारा बाविन की ओर से, बाल बाल बचे बैट्समैन। Yeah.
फाइनल आज जो भी टीम यहां पर हारेगा ये नॉकआउट राउंड है। जेटको द्वारा आयोजित काफी बेहतरीन टूर्नामेंट है ये जो आज मोदीबाग पे खेला जा रहा है। और ये बाल विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूटी और एक रन ले लिया है बाएं में। के लिए 14 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 96 रन्स। ऊर्जा कप का बहुत बेहतरीन आयोजन ये 8वां साल है और 20 टीमों ने इस टूर्नामेंट में इस साल हिस्सा लिया है जिसमें से 12 टीमें क्वार्टर फाइनल राउंड खेल रही हैं और 6 टीमें अगले राउंड में जाएगी, नॉकआउट राउंड खेल रही है और कल से वो शुरू होगा 6 टीमों के बीच में क्वार्टर फाइनल। जीशान अली पवेलियन एंड से चकमा देते हुए काफी स्लो बॉल डाली थी। और ये उठा के मार दिया है, सॉरी बाविन बारोट ने अच्छा कैच ले लिया है, नीलेष पटेल होते तो छोड़ देते। बोले तो मस्त नाम वालों की।